CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो। पेश है दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का छठा पाठ। अहमद नदीम कासमी, सफा नंबर 45। तारुफ़े अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी। पैदाइश 1916, इंतकाल 2006। अहमद नदीम कासमी ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई गांव ही में हुई। सन 1935 में बीए की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मुलाजमत करते रहे। सन 1942 में तहजीब निस्वां और फूल के एडिटर रहे। वो अदब लतीफ और नक़ूश के भी मुदीर रहे। उन्होंने फ़नून के नाम से खुद अपना भी एक सैमाही जरीदा जारी किया, जिसके वो आखिर वक्त तक मुदीर रहे। अहमद नदीम कासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और एक मारूफी अदबी सहाफ़ी भी। उनके निसफे दर्जन के करीब शायरी मजमूए और एक दर्जन से ज़्यादा अफसानों के मजमूए शाये हुए। अदबी मजामीन और अखबारी कॉलम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफसानों की वजह से पाई। पंजाब की देही जिंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीका रखते थे। इसीलिए आम पढ़ने वालों में उनकी कहानियां बहुत मकबूल थीं। अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक एक रिवायती मजहबी खानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता कायम रखा। उनके इस ज़हनी रवैये के असरात उनकी तख्लीकात में साफ दिखाई देते हैं। सफ़ा नंबर 46। अफसाना सुल्तान। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी। आइए अब सुनते हैं अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी का अफसाना सुल्तान। दादा के बाएं पंजे में सुल्तान की खोपड़ी थी और दाएं में लाठी, जो पटरी के पक्के फर्श पर ठन ठन बजे जा रही थी। सुल्तान जरा सा रुका तो दादा जल्दी से बोलने लगा, ए बाबूजी, अंधे फकीर को कुछ देते जाओ, अल्लाह भला करेगा। ए बाबूजी, अंधे फकीर को कुछ देते जाओ। अरे नहीं नहीं दादा, बाबू नहीं है, मदारी का तमाशा हो रहा है। तेरे मदारी की गाली को मुकम्मल करने से पहले ही दादा पर खांसी का दौरा पड़ा और वो सुल्तान के सर पर रखे हुए हाथ को अपने सीने पर रखकर खांसी के एक लंबे चक्कर में डूब गया। जब तक दादा की सांस मामूल पर आई, सुल्तान मदारी की टोकरी के नीचे रखे हुए चीथड़ों को सफ़ेद बराक रंग के दो मोटे मोटे कबूतरों में बदलता देख चुका था। दादा ने अपना बायां बाजू हवा में फैलाकर पूछा, अरे कहाँ गया तू सुल्तान? सुल्तान बेटा। सुल्तान ने फौरन अपना सिर दादा के पंजे में थमा दिया और वो पटरी पर चलने लगे। एक जगह दादा की लाठी बिजली के खंभे से टकराई तो खंभा बज उठा और सुल्तान बोला, दादा सुना खंभा कैसे बोला? हाँ, सुना। दादा रुक गया और खंभे को एक बार बजाने की कोशिश की, मगर निशाना चूक गया। खंभे बोलते हैं, ले जरा सा बजा ले। सुल्तान ने दादा की लाठी खंभे पर मारी और दादा बोला, देखा देखा
जब मैं तुम्हारी तरह छोटा सा था तो देर देर तक खंभों पर कान रखे खड़ा रहता था। उन दिनों खंभों में मेमे अंग्रेजी बोलती थी। बिल्कुल ऐसे यू बैट। मेमे बोलती थी खंभों में। सुल्तान हैरान रह गया। आजकल कौन बोलता है दादा? फिर एकदम सुल्तान का लहजा बदला और उसने सरगोशी में दादा से कहा, दादा दो बाबू आ रहे हैं। दादा जल्दी जल्दी बोलने लगा, बाबूजी अंधे फकीर को राहे मौला में एक रोटी के पैसे देते जाओ। बाबूजी अल्लाह तुम्हें तरक्कियां दे, अल्लाह तुम्हें बेटे और पोते दे। ए बाबूजी अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ। ए बाबूजी अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा बाबूजी। एक बाबू कहकहा लगाकर बोला, ये बुढ़ा तो खानदानी मंसूबा बंदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता फिरता है। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हुए गुजर गए। चले गए, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। फिर जरा सा रुककर उसने बाबुओं को गाली दे दी, चले गए कमबख्त। सफा नंबर 47। दादा ने अपने पंजे को सुल्तान की खोपड़ी पर दबाया। फिर वही बक बक, कल क्या कहा था मैंने तुझसे? कभी किसी ने सुन लिया तो इधर का मुंह उधर लगा देगा, समझ गया? सुल्तान चुपचाप दादा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर के बाद बोला, मेरे सर पर जहां तुम्हारा अंगूठा है ना दादा, वहां जरा सा खुजा दो। दादा ने अपना अंगूठा सुल्तान की कनपट्टी पर जोर से रगड़ा। सुल्तान बेटा, क्या बात है, आज तो तुम कहीं रुकते ही नहीं, आज बाबू लोग कहाँ चले गए? मर गए, सुल्तान ने जवाब दिया। फिर यकायक रुक गया और बोला, दादा आज कौन सा दिन है? मैं क्या जानू भला बेटा, तुम दिन याद रखा करो, मेरे लिए तो दिन रात दोनों बराबर ही हैं। दादा ने जरा सा रुक कर सोचा, फिर बोला, परसों तुम मुझे नीले गुंबद की मस्जिद में ले गए थे ना, तो परसों जुमा था। हाँ, तो उस हिसाब से तो आज इतवार होना चाहिए। अरे बेड़ा गरक हो इस इतवार का, आज तो बाबू लोग अपने घरों में बैठे बीवी बच्चों से खेल रहे होंगे। सुल्तान यूं दम्बखुद खड़ा रह गया जैसे कोई जबरदस्त हादसा हो गया हो। अचानक टन की आवाज आई। किसी राह चलते ने सुल्तान के हाथ के कटोरे में एक पैसा डाल दिया था। कुछ मिला? क्या मिला? हाँ, एक पैसा है, छोटे वाला, नए वाला, सुल्तान बोला। दादा ने अपना पंजा सुल्तान के सर पर घुमाया। जा कोई चीज लेकर खा ले, चला जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। दादा एक पैसे का तो कोई भी कुछ नहीं देता, दो तीन हो गए तो गंडेरी खा लूंगा। ये ले, ये दो नए पैसे कल के बचे रखे हैं, कोई चीज लेकर खा ले। तूने तो बेटा सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बच्चों को तो वैसे भी बड़ी भूख लगती है, ले चला जा। सुल्तान ने पैसे ले लिए तो दादा बोला, अरे जा और जल्दी से आ जा। अच्छा मैं यहीं खड़ा हूं। अरे कहां खड़ा हूं मैं? सफा नंबर 48। जरा सा बाएं को हो जा दादा, सुल्तान ने दादा का हाथ पकड़कर कहा।
अरे इधर की तरफ जरा सा खंबे के साथ लगकर खड़ा हो जा। इधर? हाँ। दादा खंबे से लगकर खड़ा हो गया। वो देर तक यूं ही खड़ा रहा, फिर वो खंबे पर कान रखकर जैसे कुछ सुनने लगा और मुस्कुराने लगा। यकायक वो चौंक सा उठा और सुल्तान को पुकारने लगा। सुल्तान, सुल्तान, ए सुल्तान। फिर वो उसे गालियां देने लगा। ओ सुल्तान, ए सुल्तान, अरे तू कहां जाकर मर गया? कोई जवाब ना पाकर वो इधर उधर घूम कर बोला, ए भाई खुदा के बंदे, मेरा छोटा सा पोता, मेरा छोटा सा पोता इधर कहीं से पैसे दो पैसे की कोई चीज लेने गया है। सुल्तान नाम है उसका, कहीं तांगे मोटर के नीचे तो नहीं आ गया? बदनसीब की औलाद। ओ सुल्तान, अरे सुल्तान कहाँ चला गया? आया दादा। अरे कहाँ मर गया था तू? दादा मदारी तमाशा दिखा रहा था, पेट से गोले निकाल रहा था। दादा ने अपने पंजे को सुल्तान की खोपड़ी पर यूं दबाया जैसे उसे ऊपर उठा लेगा। अच्छा चल घर चल, वहां मैं तुझे मदारी का तमाशा दिखाऊंगा। अरे ये नहीं सोचा कि मैं अंधा अपाहिज यहाँ रास्ते में खड़ा हूँ है? सुल्तान चुपचाप चलने लगा। कुछ देर बाद दादा ने नरमी से पूछा, अच्छा बेटा सुल्तान, क्या लिया तूने पैसे से, क्या खाया? गंडेरियां। अरे बदबख्त, गंडेरियां तो पानी होती हैं। चने खा लेता तो दोपहर तक का सहारा तो हो जाता तेरा। सुल्तान चुपचाप चलता रहा। अरे सुल्तान, कटोरा हाथ में तो लटका नहीं रखा तूने? नहीं दादा। हाँ उठाए रखा करो, लटका रहेगा तो लोग समझते हैं ये भिखारी नहीं है, सौदा लेने जा रहे हैं। सुल्तान चहकने लगा। दादा याद है एक बार मैं कटोरे में तेल लेने जा रहा था तो एक बाबू ने उसमें दुवन्नी डाल दी थी। हाँ याद है याद है, पर ऐसा कम होता है, ऐसे बाबू तो कम ही होते हैं। दादा अंगूठे वाली जगह को एक बार फिर खुजा दो। हाँ। दादा ने सुल्तान की कनपट्टी पर अंगूठा जोर से रगड़ा और बोला, आज वापस जाकर मैं जेबू बेटी से कहूंगा कि मेरे बच्चे के सर से जुए चुन ले, और तुम भी उसका कोई काम कर देना, बाल्टी भर लाना नल से। अच्छा सफा नंबर 49। घर वापस आकर जब सुल्तान दादा को खटोले के पास लाता तो कहता, ले दादा बैठ जा। अच्छा बेटा। दादा लाठी को खटोले के पाए से लगा देता और सुल्तान के सर पर से हाथ उठाकर खटोले पर बैठ जाता। सर पर से दादा का हाथ उठते ही सुल्तान को यूं महसूस होता जैसे एकदम वो हल्का फुल्का हो गया है और उसके पाँव में लोहे के गोलों की जगह रबड़ के पहिए बंद गए हैं। वो चुपके से छपरिया में से निकल आता, फिर खाला जेबू की आंख बचाकर भाग निकलता और बंगलों से घिरे हुए मैदान में पहुंच जाता जहां अमीरों के बच्चे क्रिकेट खेलते थे और गरीबों के बच्चे उन्हें गेंद उठा कर देते थे। फिर जब वो मैदान खाली कर देते थे तो बैरों, खानसामों और चपरासियों के बच्चे बिल्लौर की गोलियां खेलते थे। एक बार सुल्तान ने भी उस खेल में शामिल होने की कोशिश की थी, चंद रोज तक खेला भी था,
मगर फिर एक दिन एक लड़के ने इंकशाफ किया था कि सुल्तान तो अंधे भिखारी का बच्चा है। तब से उसे खेल में शामिल नहीं किया जाता था। अलबत्ता जब कोई बच्चा बिल्लौर की गोली बहुत दूर फेंक बैठता तो सुल्तान लपक कर ये गोली उठा लाता था और मालिक के हवाले करने से पहले उसे चंद बार उंगलियों में घुमा लेता था। एक बार दादा के सामने देर तक जार जार रोकर उसने चंद पैसे हासिल कर लिए थे और उनसे बिल्लौर की गोलियां खरीद लाया था। मगर जब मैदान में पहुंचा और बच्चों ने उसके हाथ में गोलियां देखी थीं, तो वो ये कहकर उस पर झपट पड़े कि ये तो हमारी गोलियां हैं। वो उस दिन खूब पांव पटक पटक कर रोया था, मगर दूसरे दिन फिर मैदान में जा निकला था। एक बार मैदान में आने के बाद उसे वापस घर जाने से डर लगता था कि कहीं दादा फिर से उसके सिर को अपने सूखे हाथ में जकड़कर उसे सड़क सड़क ना लिए फिरे। उसे मालूम था कि सुबह को आंख खुलते ही उसे दादा के साथ गदा करने के लिए निकल जाना होगा, इसलिए खटोले से उठते ही उसे ऐसा लगता जैसे उसने पत्थर की टोपी पहन ली हो। दादा के हाथ की पांचों उंगलियां दर्द की पांच लहरें बनकर उसकी खोपड़ी में दौड़ जाती और जब दादा नमाज पढ़ने और दुआ मांगने के बाद लाठी संभालता और सुल्तान को पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखता तो सुल्तान आधा मर जाता। दादा का ये हाथ सोते जागते में उसे भूत की तरह डराता था। ये हाथ उसे गिरफ्तार कर लेता था और वो पटरी पर यूं चलता था जैसे मुलजिम हथकड़ियां पहने सिपाही के साथ चलते हैं और फिर कैद खाने के सदर दरवाजे के जंगले में से बाहर सड़क पर लोगों को चलता फिरता हंसता मुस्कुराता देखते हैं, मगर बस देखते ही रह जाते हैं और उनकी बसारत के साथ सलाखें सलीबों की तरह चिमट जाती हैं। जब दादा का हाथ अपने सिर पर रखे वो उसके साथ साथ चलता था तो कई बार उसका जी चाहा के गंडेरी वाले के ख्वांचे में से जो गंडेरी लुढ़क कर गंदी नाली के किनारे जाकर रुक गई थी वो लपक कर खा ले। बाबू ने केला खाकर जो छिलका फेंका है उसे बढ़कर उठा ले और जरा सा चाट ले। सफा नंबर 50। मगर जब भी उसने किसी बहाने दादा से जरा सा रुक जाने को कहा तो दादा ने अपनी उंगलियां उसके सिर की हड्डी में गाड़ दी और बोला, अरे मैं तुझे टहलाने निकला हूं कि तू मुझे गदा कराने निकला है। अरे बदबख्त, दिन भर में चार पांच आने की भीख ना मिली तो जेबू बेटी दो वक्त की रोटी हमें क्या अपनी गृह से खिलाएगी? उसकी यही मेहरबानी क्या कम है कि उसने हमारे सर छिपाने को अपनी छपरिया दे रखी है। काफी दिनों की बात है, दादा बंगलों से भीख मांगने के बाद जब क्वार्टरों के पीछे बेगू कोचवान के घरौंदे के सामने से गुजरा तो उसकी माँ जेबू लपक कर आई और बोली, अरे बाबा दुआ कर, अल्लाह मेरे बेटे की पसली का दर्द ठीक कर दे, मैं तुझे पूरा एक रुपया दूंगी। दादा ने वहीं खड़े होकर दुआ मांगी थी। फिर चंद रोज के बाद उसने सुल्तान को दोबारा उन्हीं बंगलों की तरफ चलने को कहा। अभी वो बंगलों तक नहीं पहुंचे थे कि जेबू ने उन्हें रस्ते ही में पकड़ लिया। दादा को एक रुपया दिया और बोली, मुझे बता तू कहाँ रहता है बाबा, मैं जुमेरात की जुमेरात तेरी सलामी को आया करूंगी। जब उसे मालूम हुआ था कि ये दादा पोता तो किसी दुकान के छज्जे तले पड़े रहते हैं तो उसने बेटे से कहकर छपरिया खाली करा दी थी और जब से दोनों वहीं रहते थे दिन भर की भीख उसको ला देते थे और वो उसी हिसाब से उन्हें रोटी पका देती थी। इन दिनों बाबा से वो अपने बेटे के औलाद होने की दुआ करा रही थी। सुल्तान को दादा के अलावा खाला जेबू भी अच्छी नहीं लगती थी।
वो जब भी बाबा को वापस छपरिया में पहुंचाकर निकला तो जेबू से छुपकर निकला, वरना वो शोर मचा देती थी कि लो देखो अपने बूढ़े अपाहज दादा को अकेला छोड़कर खेलने चला है। जिस रोज दादा दिन ढले ही घर वापस आ जाता और सुल्तान को खिसक जाने का मौका ना मिलता, तो जरा सा सुस्ता लेने के बाद वो फिर से लाठी संभाल कर कहता, चल सुल्तान चौक का एक और चक्कर लगवा दे, आज कुछ ज्यादा मिल गया तो कल तेरी छुट्टी। मगर ये छुट्टी कभी नहीं मिलती थी, इसलिए कि कुछ ज्यादा कभी नहीं मिलता था। अलबत्ता अब कुछ अरसे से यूं होने लगा था कि दादा को आधी रात के बाद दमे के दौरे पड़ते और वो खांस खांस और हाँफ हाँफ कर सुबह तक अधमुआ हो जाता। सफा 51। उस रोज वो गदा पर नहीं निकला था, मगर सुल्तान को जब भी छुट्टी नहीं मिलती थी वो दिन भर बैठा दादा के कंधे और पसलियां दबाता रहता, और उसके हाथ रुकते तो दादा खांसी से भिची हुई आवाज में पुकारता, क्यों सुल्तान क्या कर रहा है, हाय मर तो नहीं गया। सुल्तान फौरन दादा के कंधे पकड़ लेता और जी में कहता, अल्लाह करे तो खुद मर जाए दादा, तू मर जाए तो अल्लाह कसम कैसे मजे आए, अल्लाह करे तू जल्दी जल्दी से बस अभी अभी मर जाए और मैं बगल की कोठी से उसके बच्चे की टोपी की भीख मांगकर अपना सर ढांप लूं। फिर एक रोज दादा सचमुच मर गया। वो टूटती रात सर को घुटनों पर रखे खांसता और हांफता रहा और उसकी पसलियां फूकती और सिमटती रहीं। सुल्तान उसके कंधे दबाता रहा और उसकी रीढ़ की हड्डी के किनारों को अंगूठों की पोरों से सहलाता रहा। फिर वो सो गया और जब सुबह को उसकी आंख खुली तो रोती हुई खाला जेबू ने उसे बताया कि सुल्तान तेरा दादा तो अल्लाह को प्यारा हो गया। एकाएकी सुल्तान के अंदर चार तरफ फुलझड़ियां सी छूटी तो वो बोला, सच? जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा कि दादा लोग भी मर सकते हैं। फिर भीखू कोचवान आसपास के लोगों को जमा कर लाया और वो दादा को गुस्ल देकर दफनाने ले गए। खाला जेबू वक्फे वक्फे से रोती रही और उसकी बहू ने भी सुल्तान को बड़े प्यार से दिन भर अपने पास बिठाए रखा। बेगू भी कब्रिस्तान से वापस आया और सुल्तान के लिए गंडेरियां लेता आया और गंडेरियां चूसते हुए सुल्तान ने सोचा, जब दादा मर जाते हैं तो कैसे मजे आते हैं। रात भी खाला जेबू ने उसे छपरिया में ना जाने दिया कि बच्चा है डर जाएगा। सुबह को उसने सुल्तान को रात की एक चपाती और लस्सी का एक प्याला दिया। खूब पेट भरकर वो उठा तो जेबू ने पूछा, कहाँ चले बेटा? सुल्तान को ये सवाल बड़ा अजीब सा लगा। हम कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या? हमारा दादा तो मर गया है। सुल्तान को खामोश पाकर वो बोली, नहीं बेटा, खेलते वेलते नहीं। फिर वो उसे हाथ से पकड़कर छपरिया में ले आई और कटोरा उठाकर उसके हाथ में थमाते हुए बोली, आज कहीं से 8-10 आने कमाला, मैं तुझे चावल खिलाऊंगी, जा बेटा किसी आबाद सड़क का एक फेरा लगा ले, अल्लाह तेरा साथी हो। सुल्तान ने हाथ में कटोरा तो ले लिया मगर छपरिया से बाहर आते ही रुक गया। वापस छपरिया में घुसा जैसे कुछ भूल आया हो। फिर वो बिलबिलाकर रो दिया और खाला जेबू के फैले हुए हाथों से कतरा कर भाग निकला। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था जब उसने सड़क पर एक बाबू के सामने कटोरा फैलाया। बाबूजी, अंधे फकीर को राहे मौला एक रोटी। उसने जार जार रोते हुए दादा के अल्फाज दोहरा दिए। क्या तू अंधा है? बाबू ने सख्ती से पूछा। सुल्तान को यकायक अपनी गलती का एहसास हुआ और घबरा कर उसने नफी में सर हिला दिया।
फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। झूठ भी बकता है और रोता भी है, बाबू ने डांटा। नौकरी करेगा? उससे पूछा। फिर सुल्तान को मुसलसल रोता पाकर जाने लगा। सुल्तान रुंधी हुई आवाज में बोला, ए बाबूजी, राहे मौला, पैसे दो पैसे देते जाओ। बाबू पलटे बगैर आगे बढ़ गया। वो काफी दूर निकल गया जब रोता हुआ सुल्तान यकायक उसकी तरफ दौड़ने लगा और पुकारने लगा, बाबूजी, ए बाबूजी। बाबू रुक गया। आसपास से गुजरते हुए लोग भी ठिठक गए। नौकरी करेगा? बाबू ने पूछा। हांफता हुआ सुल्तान बाबू के पास रुका, फिर उसका निचला होंठ जरा सा लटका और वो बोला, बाबूजी, देखिए, मैं नौकरी नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता। उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। तो फिर मुझे क्यों पुकारा? बाबू ने जमा होते हुए लोगों पर एक नजर दौड़ाकर जरा तल्खी से पूछा। एकदम सुल्तान की आंखों में इकट्ठे बहुत से आंसू आ गए। उसके होंठ फड़कने लगे और वो बड़ी मुश्किल से बोला, बाबूजी, खुदा आपका भला करे, खुदा आपको बहुत बहुत दे। क्या आप जरा दूर तक मेरे सर पर हाथ रखकर चल सकेंगे? लो और सुनो, बाबू अहमकों की तरह हुजूम को देखने लगा। अहमद नदीम कासमी, सफा नंबर 52, मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सुल्तान को ज़ैबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता है? सवाल नंबर 2, सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था और बाद में उसके ना होने पर उसे क्या महसूस हुआ? सवाल नंबर 3, सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की? इसी के साथ ये सबक ख़त्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग 2 का 6ठा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 7 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।